हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है 3 सॉकेट और एक स्विच का बोर्ड किस प्रकार तैयार किया जाता है। ये हमारे 3 सॉकेट है और ये हमारा एक स्विच है, इसको तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए हमें इनको सबसे पहले न्यूट्रल वायर को न्यूट्रल से और पॉजिटिव वायर को मिलाते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को इसमें जोड़ते हैं। ये हमने एक जो सॉकेट है उसमें मिला दिया है। अब हम न्यूट्रल वायर दूसरे सॉकेट में मिलाएंगे। ये दूसरी सॉकेट में हमने मिला दिया है। अब हम वायर को तीसरी सॉकेट में न्यूट्रल वायर को मिलाते हैं। इस प्रकार ये हमारी न्यूट्रल वायर हमने छोड़ दी है। जो अब हमारा फेस वायर है उसको हम अब इसके साथ जोड़ते हैं, जो हमारी सॉकेट है इसके साथ। ये हमने एक सॉकेट में जोड़ दिया, अब हम दूसरी सॉकेट में इसको जोड़ते हैं और हमने दूसरी सॉकेट में भी इसको मिला दिया है। अब जो हमारा यह एक सिरा बचा है, अब हमें इसमें भी जोड़ देंगे और ये हमारे स्विच से ऑन होना चाहिए, तो इसके लिए हम इसमें स्विच में कनेक्शन कर देते हैं। अब हमने इस स्विच में कनेक्शन कर दिया है। इस प्रकार हमारा जो एक पॉइंट बचा है उसमें हमारी जो फेस की वायर है वह लगेगी और इसमें हम उस वायर को लगाते हैं। तो हमारी न्यूट्रल वायर पहले से बची हुई है और फेस वायर अब इसके साथ हमें जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमने ये हमारा न्यूट्रल वायर है जो हमने सभी टर्मिनल पर इसको टच किया है, यहाँ पर और इस पर, तो ये है वायर हमने छोड़ दी है न्यूट्रल वायर। और ये हमारा फेस वायर हमने यहाँ पर जोड़ दिया है जो इस स्विच में जोड़ा है। तो अब और ये हमारी एक वायर पॉजिटिव यानी फेस, एक न्यूट्रल। इस प्रकार हमें अपने 3 सॉकेट एक स्विच की वायरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। कर हमारा ये बोर्ड तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।